मृत्यु घटना आरंभरु डीएफओ एवं वन विभाग कार्यालय एवं वन विभाग किसी कार्य को नहीं प्रथम ही प्रश्न उठुची। एबे जिते बेले राति जगुआली गंगाधर प्रधान जिते बेले आज गुमर खोलुचंती जे से कहउचंती राति 12:30 एमिति कि गोटाए भितरे डीएफओ एसएफ को घर को विलंबित रात्रि सिवा जीवा कथा से देखिचंती एपरिकि मॉर्निंग वॉक समय रे विद्या भारती को डीएफओ नजर पकांती बोली से मध्य देखी कहले एवं एक कथा तले गणमाध्यम सामना रे प्रतिक्रिया रखिले एक कथा तले सामना को आसिला एबे प्रश्न आसिला जे एबे गुटिए वन विभाग पक्षरु चिट्ठी जारी कराइछि जो चिट्ठी आमे आपनकु देखौछु जे वनांचल जो महेंद्र वनांचल नारायणपुर अछि से वनांचलरु गुटिए चिट्ठी कराइछि एवं चिट्ठी याकु कराइछि गुटिए सिक्युरिटी ज्योति सिक्युरिटी सर्विस रायगडा को कराइछि अर्थात ज्योति सिक्युरिटी सर्विस को चिट्ठी करि जणा जायछि जे गंगाधर प्रधान को डिसेंबर मास पर्यंत चाकरी रखा गला डिसेंबर मास तो बाहर करा गला एवं जनवरी मास तो आउ जणे लोक को रिक्रूटमेंट कराइछि अर्थात नियुक्ति आयोजन को दियाइछि। एबे बड़ प्रश्न जितेबेले जंगल विभाग रो किछि सुरक्षा कर्मी दरकार होउछन्ती सेतेबेले मन इच्छा वन विभाग रो जे डीएफओ छन्ती चाकरी तांको हाथ रहउछि से रिक्रूटमेंट दउछन्ती एवं चाकरी रु विदा कर दउछन्ती। सिक्युरिटी सर्विस रे केवल गोटे चाकरी दबा बाहर करबा ये होउछि गोटे केवल फॉर्मेलिटी किंतु आज हटा जेतेबेले चिट्ठी लेखि कि आपण भावंतु गोटे सिक्युरिटी ना राति जगवाली चेंज होइछन्ती ता पई गोटे चिट्ठी कराइथिबो आपण आउ गोटे खुलासा मध्ये आमे आउ किसम पर करबा जोंटी वन कर्मचारी माने जगिबा सत्ते डीएफओ संप्रति वन विभाग अधिकारी संप्रति रक्त चंदन काठ चोरी अर्थात लक्ष लक्ष टंकार रक्त चंदन काठ संतोष जो दुर्नीति कथा आसी डीएफओ नारे कि ये होंगे आउ जन अभय पाठक बोली ता कोट ना कोट सत प्रमाणित हो निश्चित भाव देखते नीलमा मुझे कथा यही कहि देखिए आ किसी समय पर गोटे बड़ खुलासा हम जो ग्रामवासी मैंने बारंबार चिठी लिखी अनुरोध कर रक्त चंदन काठ भी दामी काठ चोरी होलीमा आप जानते जे चंदन बण बहुत कम सृष्टि हुए ता पुणी ओडिशार खूब कम जगार जो पर्वतमाला चंदन बण अच्छी से वन विभाग विशेष भाव में नजर रहा कथा फोकस रहा कथा किंतु आज आम जो ग्राउंड जीरो को गलु शह शह गच्छ काटी नहीं बिक्री कराई एवं कोटी कोटी टंका रोजगार कराई आ ये अभियोग जिते दौरान वन विभाग को समस्ते ग्रामवासी माने से एक शुनी पार ना नजर को आनी पार ना कि सामान्य गोटे सिक्युरिटी चेंज है गोटे लेटर पेड करागला लेटर पेड सत अर्थात अर्थात संतोष ये सिक्युरिटी एवं ये सिक्युरिटी बयान अर्थात गंगाधर एवं गंगाधर बयान उभय बेस भारी पड़ी डीएफओ निश्चित भाव नीलिमा जेहेतु भारी पड़ी बोली ये बयान टी निश्चित भाव से गोटे चक्रांत कले आप जानते जे गंगाधर फसैया डरैया धमक दि एक प्रकार से चिट्ठी लिखुं सबुठ बड़ कथा जे कि भाव में आप देखु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जे गंगाधर जिते अभोग आभोग को खंडन करने वन विभाग कर्मचारी पक्ष वन विभाग पक्ष आउ गोटे चिट्ठी एवं जारी करा जे चाकरी रखा ही अभी बड़ कथा ए कथा को जदि प्रमाण करने गोटे चिट्ठी आपण मैंने बाहर को दौरान आरंभ रु जी कथा सामना को आसी से सबुर प्रमाण आपण मैंने दे कि सबुर अभोग बाबद आपण स्पष्टीकरण रखिले कि से प्रमाण दौना निजे डीएफओ को प्रश्न पचारे लगुच संतोष गोटे सत को लुचे पे जाई वर्तमान 100 मिछ सामना को आसलानी हिसाब है गोटे घटना को चापिया पाई बारंबार मिछ कहउछन्त बोले आमे कहि परिबा काहेकि ना आपण देखन्तु गोटे बड़ कथा होची जे ये अभिजोग आसुची सत एवं अभिजोग रो लंबा लाइन लागिछि सत केते बेले भी प्रमाण दिया जाउ नथिला किंतु एबे हटात प्रमाण दिया जिवार माने कोन थाई पारे ताकू नै कि मध्ये संदेह उपजुची मिलिबा संतोष अन्य पड़ जति देखिबा आपण मध्ये काली गोटे रिपोर्ट प्रकाश करथिले कि कोबली बापरे जलप्रपात रे मौज मस्ती करछन्त अर्थात मिछ ड्यूटी एपो सत मौज रो कथा सामना को आसला कारण आपण जेतले प्रतिक्रिया नबा पई जेतले संतोष ई घटना सहित आपण पूरा पूरी एकदम फॉलोअप रे रहिछन्त मध्ये कि कोबली बापरे कहले कि आपण हम कार्यालय को आसीछन्त एक तो तांको अनुमति नै नाथि पुनी तांको कार्य रे बाधा सृष्टि करछन्त तेनु आपण जानत बोली बारंबार डीएफओ संग्राम केसरी आपण को प्रतिक्रिया दैतले तले जलप्रपात रे मौज करबा पई ड्यूटी समय रे किभली बापरे माने तांको अनुमति देला के किभली बापरे समय मिला किंतु जोटी तांको परे प्रश्न उठुची तांको कार्य उपरे तांकर माने व्यक्तिगत जीवन को ने प्रश्न उठुची किंतु से दिगरे कोनसी प्रतिक्रिया देबा को मना कर देछेंती डीएफओ पर तांकर एटीट्यूड भी बेस माने खूब अलग प्रकार रहितला माने एते घटना सत्वे भी से निजो को हुए त प्रमाणित करिया पई जाउछेंती कि तेर तांकर संप्रक्ति ने एवं ही इज ऑलवेज राइट से भले प्रति माने हेउची
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଡିଏଫଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାର ଦରକାର ଥିଲା। ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ସେ ଆସିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିବେ ଏବଂ ସିଏ ଭୁଲିଯିବେ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ହୁଏତ ସେ ଆଇଏଫଏସ୍ ଟପର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରେସପଣ୍ଡ କରିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି, ଲୋକେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କଣ ଏବଂ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସାହସ ନେଇ ଘଟଣାକୁ ଏଡେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ।